नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज के सेशन में जो शेयर बाजार में तेजी देखी है आपने, निफ्टी सेंसेक्स में जो तेजी देखी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। मार्केट का सबसे बड़ा दिग्गज बेहतरीन तेजी में था, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था और जहां ओपन हुआ वहां से ऊपर ही गया। आज इसने एक बार भी नीचे आने की कोशिश भी नहीं करी, यानी प्रॉफिट बुकिंग का भी शिकार नहीं हुआ। आज गैप अप होने के बाद फ्रेश बाइंग ही आई है और स्टॉक को ऊपर लेके चले गए। वैसे भी माना ऐसा जाता है कि इस स्टॉक में नॉर्मली मतलब बैठे रहते हैं इसके बड़े लोग कारोबार करने के लिए, जहां ऊपर ले जाना है तो फिर वन साइडेड ऊपर, नीचे ले जाना वन साइडेड नीचे, अपना ही पैसा छापते रहते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते रहते हैं। खैर वो सब छोड़ते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे अगर रिलायंस की बात करें, आज जो ये तेजी थी ना, ये एक प्रॉपर रीजन था और इस रीजन के पीछे सॉरी इस तेजी के पीछे जो रीजन है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं और जानेंगे क्या लेना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मैंने पोर्टफोलियो स्टॉक्स में दो चार दिन पहले जब बड़ी करेक्शन आई थी तो 2200 रुपए के समथिंग आपको सजेस्ट भी करा था, ये स्टॉक लेके छोड़ देना चाहिए पोर्टफोलियो में। और अगर आपको डर लग रहा है तो स्टैगर्ड वे में लें, गिरावट हो 2080 पे अगला सपोर्ट है वहां और लें, हालांकि वहां से तो घूम गया उससे पहले। अब पहले मैं आपको बताता हूं रीजन, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने बॉर्शिस यानी एक्सचेंज को बता दिया कि भैया एनसीएलटी ने हमें दे दिया है अप्रूवल डीमर्जर के लिए। और जैसे ही बॉर्शिस यानी एक्सचेंज पे ये खबर आई, उसके बाद आज स्टॉक ओपन हुआ और शेयर में तूफानी तेजी थी। अब पूरी डिटेल जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है। शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और RIL जो भी कह लीजिए, हैव विटनेस्ड ह्यूज बाइंग सिंस अर्ली मॉर्निंग डील्स ऑन फ्राइडे सेशन। रिलायंस शेयर प्राइस टुडे ओपन विद अपसाइड गैप एंड वेंट ऑन हिट इंट्राडे हाई ऑफ 23.22 अपीज लेवल्स ऑन NSE, लॉगिंग मोर देन 3.75% इंट्राडे राइज ड्यूरिंग द वीकेंड डील्स। अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, दिस राइज इन रिलायंस शेयर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द NCLT अप्रूवल टू डीमर्जर ऑफ RIL एंड न्यू NBFC। तो NCLT का जो अप्रूवल आया है, RIL और RIL का न्यू जो NBFC है उसको डीमर्ज करने वाले हैं। अब क्या है मैं उसके बारे में बता दूं, तो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और रिलायंस के बीच में होगा डीमर्जर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से। और इस तरीके के जो डीमर्जर है इस पे आपके लिए जो रेशियो तय करा गया है वो 1:1 का किया है, यानी कि जो भी रिलायंस का एक शेयर होल्ड करता है उसको रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक शेयर मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने कुछ डेट भी फिक्स कर दिया, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। रिलायंस हैज इन्फॉर्म इंडियन बोर्सेज अबाउट द NCLT अप्रूवल एंड द कंपनी बोर्ड मीटिंग हैज फिक्स्ड ऑन सेकंड अ बोर्ड मीटिंग हैज फिक्स्ड ऑन सेकंड मे 2023 इन दिस रिगार्ड। तो बोर्ड मीटिंग होगी सेकंड मे 2023, यानी इसी साल 2023 में बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इससे रिलेटेड फर्दर जानकारी आपके लिए आएगी, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये सब। NCLT का जो मेन इशू होता है वो अप्रूवल आ गया, हालांकि मेन इशू कुछ नहीं होता, अप्रूवल आ जाता है, बट जो टाइम प्रोसेस होता है वो प्रोसेस से होके गुजरना होता है। यहाँ बड़ा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब आपके लिए अगले 2 से 3 महीने में, यानी कि जब मेन बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड से अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो आपको 2 से 3 महीने में फ्रेश शेयर आता हुआ दिखेगा। और माना शुरू से ऐसा जाता है कि जब भी रिलायंस डीमर्ज होगा वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जियो जब भी डीमर्ज होगा वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अभी तो केवल फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC कारोबार डीमर्ज हो रहा है, बहुत कुछ है रिलायंस के अंदर, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, रिटेल है, जियो है, न जाने कितने सारे कारोबार भरे हुए हैं और ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां रिलायंस बैठा ना हो, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो अपने आप में बड़ी चीज है NCLT अप्रूवल टू रिलायंस फॉर डीमर्जर ऑफ शेयर्स 1:1 रेशियो, यानी एक के बदले एक। द NCLT हैज अप्रूव्ड अलोकेशन ऑफ 1 रिलायंस न्यू NBFC शेयर अगेंस्ट 1 रिलायंस शेयर्स टू ईच शेयर होल्डर ऑफ द RIL न्यू NBFC शेयर, यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दिस हैज वर्कड एज शॉर्ट टर्म पॉजिटिव सेंटीमेंट फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव सेंटीमेंटल के रूप में देखा जा रहा है इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल डिटेल आती हुई दिख रही है आप सभी को, जो कहीं ना कहीं आज के सेशन में खबर आई है जिसकी वजह से स्टॉक भागता हुआ दिखा है आपको। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो काफी बुलिश है, 2700, 2650 और 2900 और 3100 रुपए तक के भी टारगेट है इस स्टॉक को लेकर। अब मैं अपने फ्रेश व्यू की बात करूं तो मुझे लगता है रिलायंस का शेयर जिसके पास है उसे तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए, बट फ्रेश एंट्री के लिए कोई डिप मिले तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी इस स्टॉक में अभी जो चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो ये तेजी बनी है अभी आपको और ऊपर
जाते हुए दिख सकती है। अगर एग्जैक्टली स्टॉक के बारे में बात करें तो मैं आपके साथ वो भी बता देता हूँ। पहले मैं स्टॉक ओपन कर लेता हूँ रिलायंस का। जी रिलायंस, जस्ट अ मिनट दोस्तों। जी हाँ, 2331 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है स्टॉक। 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 68 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अगर एक महीने का चार्ट देखेंगे तो डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, डबल बॉटम ऑलमोस्ट फॉर्म करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। 2400 रुपीज तक के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट जब स्टॉक आपके लिए 2420 का लेवल ब्रेक करेगा तो चार्ट पैटर्न का होगा ब्रेकआउट बड़े लेवल्स पे, यानी कि जो कंटिन्यू लोअर लोज है उसका ब्रेकआउट होगा और फिर आपके लिए जो तेजी बनेगी अराउंड 2600 रुपए तक की बन सकती है। तो ये मेरी तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।